डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाइन इन्फो चैनल और ऑप्टिक्स चैप्टर के रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 4 लेकर आपके लिए हाजिर हो गए हैं। आज लेक्चर नंबर 4 में आपको इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर ये आपको बताएंगे। हमने आपको प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन का बताया कि किस तरह से प्लेन मिरर में इमेज बनता है, ठीक है, उसकी नेचर क्या होती है, कितने डिस्टेंस के ऊपर बनता है, ये सारी चीजें आपको हमने बताई। आज हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में आपको बताते हैं कि इमेज कैसा बनता है, उसकी नेचर क्या होती है। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्केव मिरर में इमेज कैसा बनता है। कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो कॉन्केव मिरर में इमेज कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर को ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक, ये इसका पोल और यहां से एक सीधी लाइन जो है वो पास होगी जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसका फोकस यहाँ होता है और इसका सेंटर जो है वो यहाँ होता है, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब होगा क्या कि अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बियॉन्ड द सी। ये हमने बियॉन्ड द सी जो है वो ऑब्जेक्ट को रख दिया है। लेट्स सपोज कि पहला जो है हम इमेज फॉर्मेशन बना रहे हैं कॉन्केव मिरर के लिए, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया बियॉन्ड द सी। तो बियॉन्ड द सी स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे रख दिया। पहली राइट रे हम देखेंगे कि सीधा यहाँ से कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होके ऐसे ऑप्टिकल फोकस से पास होगी। तो यहाँ से फोकस से पास होकर यहाँ पर इसका इमेज बनेगा, यहां पर बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये लाइट रे, पहली लाइट रे जो है स्टूडेंट्स इस तरह से यहां पे बन गई। अब दूसरी लाइट रे हम देखते हैं, दूसरी लाइट रे जो है वो फोकस से पास होगी और यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे पैरेलल टू द एक्सिस और यहां पर ये इस पॉइंट पर जमा हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो इमेज है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान बना है, ठीक है। इमेज बनाने के लिए स्टूडेंट्स कम से कम दो लाइट रे जो है वो आपको चाहिए होती है, ठीक। मैक्सिमम हम 3 भी ले सकते हैं लेकिन कम से कम मिनिमम 2 लाइट रे होगी, उससे भी इमेज बन जाएगा। तो 2 लाइट रे से इमेज फॉर्म हो गया। अब यहां पर इमेज कहां बना है, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब इसकी नेचर क्या होगी, यहां पर नेचर के बारे में हम लिखते हैं कि इसकी नेचर क्या होगी। नेचर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड है इमेज। सबसे पहले आप लिखेंगे रियल। सबसे पहले आप रियल क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये लाइट रे जो है वो रियल फोकस से पास हुई है। कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल होता है, इसलिए हम इमेज जो लिखेंगे वो इन्वर्टेड से पहले लिखेंगे रियल, क्योंकि रियल इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो ये हो गया इनवर्टेड, रियल इनवर्टेड। और अब आप देख सकते हैं कि सेम साइज है, नहीं फिर क्या है, स्मॉल साइज। तो आप लिख देंगे यहां पे स्मॉल साइज। तो ये इमेज जो है स्टूडेंट्स फॉर्म हो गए, बहुत आसान, ठीक है। तो पहली लाइट रे यहां से सीधी पास हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी लाइट रे फोकस से पास हुई और इमेज यहां पर दोनों लाइट रे जमा हो गई, यहां पे इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसको हम जो है वो
इमेज का नेचर जो होगा वो रियल इन्वर्टेड स्मॉल सन। अब हम बात करते हैं अगर ऑब्जेक्ट को सी पर रख दिया जाए, ये तो बियॉन्ड सी था, अगर सी पर रख दिया जाए तो अगर ऑब्जेक्ट सी पर रख दिया जाए, ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने सी पर ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब सी पर ऑब्जेक्ट को रख दिया तो पहली लाइट रे कैसे जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्शन के बाद पोल फोकस से ये पास होगी और फोकस से पास होने के बाद यहां पर इसका इमेज बनेगा, कुछ ऐसे इसका इमेज बनेगा। दूसरी लाइट रे स्टूडेंट्स फोकस से पास होगी और यहां से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी और पैरेलल होने के बाद ये लाइट रे भी यहाँ पे जमा हो जाएगी इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि दोनों लाइट रे, एक लाइट रे यहाँ पर जमा हुई, एक लाइट रे यहाँ पर, तो अब आप इमेज कहाँ बनेगा आपको समझ लेना चाहिए कि सी पर भी, सी पर ही इमेज बनेगा, यानी कि जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर इमेज बनेगा। ठीक है, ये देखें, सी पर हमने इमेज रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, या फिर आप इसको 2F भी कह सकते हैं क्योंकि ये दो गुना डिस्टेंस है। ठीक है, पोल से लेकर फोकस का दो गुना डिस्टेंस है तो इसको 2F भी कह सकते हैं। तो अगर 2F पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो कॉनकेव मिरर में इमेज कैसा मिला है हमें? 2F पे ही मिला है। और उसकी नेचर क्या है? नेचर आप लिखेंगे इमेज की, तो सबसे पहले हम लिखते हैं रियल और इन्वर्टेड और सेम साइज। तो आपने देखा के पहला इमेज कहां बना और उसका नेचर क्या हुआ, दूसरा इमेज कहां बना और उसका नेचर रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। एक और हम डायग्राम बनाते हैं और उसमें हम इमेज देखते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया, ये पोल, कि यहां से एक सीधी लाइन रे लाइट जो है वो पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर। अब उसके बाद हमने कहां रखना है ऑब्जेक्ट को? बियॉन्ड द सी रख लिया, सी पर भी रख लिया, अब ऑब्वियसली बिटवीन द एफ एंड सी रखेंगे, यहां पर रखेंगे। है? अब यहां पर रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को। अब हम देखेंगे कि पहली लाइट रे कैसे आ रही, पहली लाइट रे स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से यहां पर जमा हो रही। ठीक है, और जहां पे जमा हो रही वहां से आप एक इमेज बना दें, इन्वर्टेड इमेज। दूसरी लाइट रे कहां पे, कहां से पास होगी दूसरी लाइट रे स्टूडेंट्स? पोल आपको दिख रहा है, इस पोल से पास होगी दूसरी लाइट रे, इस पोल से पास होकर इस पॉइंट पर जमा हो जाए। तो अब दूसरी लाइट रे यहां पे जमा हो गई, अब आप इसका जो है वो अंदाजा लगाएं कि इमेज कहां पे बना है और कैसा बना है।
अब इमेज कैसा है? रियल इन्वर्टेड और लार्जर द साइज, लार्जर साइज। अब इमेज कैसा बना है? रियल है, इन्वर्टेड है, लार्जर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये स्टूडेंट्स तीन तरह के इमेज फॉर्मेशन आपने देखे कि कॉनकेव मिरर में अगर आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रखते हैं इमेज कहाँ बनेगा, नेचर क्या होगा, और अगर आप टू एफ पर रखते हैं यानी आप सी पर रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज कैसा बनता है, नेचर क्या होगा, और अगर आप बिटवीन द एफ एंड टू एफ रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है और कहाँ बनता है। अब हम एक और इमेज की बात करते हैं। अब जो है एक और हम कॉनकेव मिरर का ही इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं, ये फोर्थ इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ये कॉनकेव मिरर, ये पोल और ये सीधा लाइट रे, ये फोकस और ये 2F। अब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे यहां पर इनसाइड द फोकस, फोकस के अंदर रखेंगे हम बिटवीन, या फिर आप कह लें कि बिटवीन द पी यानी के पोल एंड एफ, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो तीन लाइट रे पास कराएंगे, ठीक है, पहली लाइट रे ऐसे पास होगी यहां से, ठीक है, और ऐसे गुजर जाएगी। अब यहां से तो पास होगी नहीं, अब आप देख रहे हैं कि ये कहाँ जाएगी, फोकस तो है ही नहीं यहाँ पर, तो अब ये वर्चुअल फोकस पे हमें ऐसा लगेगा कि ये जमा हो रही है, ठीक है, ये वर्चुअल फोकस पे इस तरह से जमा हो जाएगी इसके वर्चुअल फोकस पे, और दूसरी लाइट रे यहाँ से पोल पे जाएगी और पोल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी एस। लेकिन इमेज तो इसका बना ही नहीं, अब इमेज कहाँ बनेगा इसका? अब इमेज हम स्टूडेंट्स ये ही दो लाइट रेज को हम बैक पे ले जाते हैं इस तरह से, ये फोकस और दूसरी लाइट रे जो पोल से पास हो रही है इसको भी हम पीछे लेके जाते हैं। अब देखते हैं हम इमेज कहां बना है, इमेज तो यहां बन गया बिटवीन द एफ एंड एफ। अब आप देख रहे हैं कि इमेज यहां नहीं बना, ठीक है, क्यों? लाइट रे मीट ही नहीं कर रही थी। अब लाइट रे मीट नहीं कर रही थी तो अब आप यहां पे देखें तो लाइट रे कहां मीट कर रही है, इस पॉइंट पर मीट कर रही है। अब यहां पर जो इमेज बनेगा उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर साइज, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये लाइट रे बैक पे मीट कर रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि एक लाइट रे फोकस से आ रही है और एक पोल से आ रही है, ठीक है, ये यहां पे मीट कर रही है जिसकी वजह से जो इमेज होगा उसका नेचर बिल्कुल चेंज हो गया, फोकस के अंदर आके ऑब्जेक्ट का नेचर अलग हो गया, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर साइज। तो ये चार इमेज फॉर्मेशन स्टूडेंट्स जो आपने देखे कॉनकेव मिरर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मली तौर पर जो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, अब उसको हम यूज करते हैं तो अगर दूर से हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा लगेगा इमेज उल्टा बन रहा है, और जिस जिस पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे या खुद खड़े हो जाएंगे मिरर के सामने तो फिर वो पोजीशन हम इमेज की खुद ऑब्जर्व करते जाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स के जो कॉनकेव मिरर है, ठीक, यहां पर जो इमेज फॉर्म होता है ये जो है वो स्क्रीन के ऊपर होता है, इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन, यानी कि आप बैक साइड पर स्क्रीन रखेंगे, ठीक है, यहां पर स्क्रीन होगा
और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इमेज कैसा कैसा और कहाँ बन रहा। ठीक, कैंडल वगैरह किसी चीज का भी इमेज अगर आपको देखना हो मिरर के सामने, तो इस तरह से आप स्क्रीन के ऊपर इमेज को इस तरह से यहाँ पे स्क्रीन रखकर देख सकते हैं कि इमेज जो है वो कहाँ बन रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर इमेज हमें नजर आता है अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें। ठीक है, कॉनकेव मिरर के सामने और पीछे कोई स्क्रीन वगैरह या कोई ऐसा जो है वो पेज रख दें या फिर कोई ऐसा जो है वो मटेरियल रख दें जिससे हमें इमेज उसका साफ दिख जाए, तो इमेज हमें उसके ऊपर नजर आ सकता है, वही स्क्रीन होगा। अब इस कंडीशन में जब हम कॉनकेव मिरर को बहुत ज्यादा करीब ले आते हैं, ठीक है, अगर नॉर्मली तौर पर अगर हमारे सामने कॉनकेव मिरर हो बहुत ज्यादा करीब हम ले आएंगे फोकस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इमेज बनेगा वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर साइज। ठीक है, लार्ज साइज हो जाएगा उसका, जिसकी वजह से अब ये मुख्तलिफ पर्पसेस में यूज किया जाता है। फोकस के अंदर रखेंगे लार्ज साइज हो जाएगा, अब आप उसको दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं लाइक शेविंग, मेकअप एंड एक्सेट्रा, और दूसरे पर्पस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अब अगर चेहरे के करीब लेके आएंगे मिरर को तो चेहरे के एक एक स्पॉट जो है वो वाज़े तौर पर हमें दिखेंगे। तो ये जो है फर्क है, जब हम इमेज ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस रखते हैं तो इमेज जो है वो हमें लार्जर मिलता है, और एरेक्ट इमेज होता है वर्चुअल होता है। ठीक, और इसके पर्पसेस कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कॉनकेव मिरर की तरफ बढ़ते हैं कि कॉनकेव मिरर में इमेज कैसा बनता है और उसका नेचर क्या होता है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनवेक्स मिरर। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि कॉनवेक्स मिरर में इमेज कैसा बनेगा। तो सबसे पहले कॉनवेक्स मिरर को बनाते हैं, ये कॉनवेक्स मिरर है, ये एक स्फीयर का पार्ट है, ये आपको बता चुके हैं, और ये इसका पोल है, यहाँ से एक सीधी लाइट लाइन पास होगी, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और ये इसका फोकस होता है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, या फिर आप इसको 2FB कह सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेट्स सपोज का हम एक और फोकस बना लेते हैं, क्योंकि इसका फोकस जो है वो वर्चुअल होता है, कॉनवेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है, कॉनवेक्स मिरर, क्योंकि कॉनवेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को अब यहाँ रखते हैं, इस पोजीशन पर रखते हैं, ठीक है, ये लेट सपोज एफ है और ये 2F, F और 2F के दरमियान रखते हैं, तो अब ये हमें इसका इमेज कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले लाइट रे कहां पर फोकस पे जमा होगी, वर्चुअल फोकस है इसका, यहां पर जमा होगी, और यहां से ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे यहां से जमा होगी, पोल से ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहीं से पोल से हम एक लाइट रे
पीछे लेके जाएं और देखें इसका इमेज कहाँ बन रहा है। तो इसका इमेज आप देख रहे हैं वहां पर बन गया है बिहाइंड द मिरर इसका इमेज बन गया है। और अब आप देख रहे हैं कि इमेज कैसा है, ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब नेचर हम देखेंगे, इमेज की नेचर क्या होगी। एरेक्ट और डिमिनिश। जी स्टूडेंट्स, कैसा हमें इमेज मिला, नेचर क्या है, वर्चुअल, एरेक्ट, डिमिनिश, ठीक है। यानी कि स्मॉल इमेज मिला है, ठीक है, छोटा इमेज है, डिमिनिश है, और जो एरेक्ट है, ठीक है, सीधा इमेज है, और वर्चुअल, ठीक है स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड नहीं। वर्चुअल हमेशा याद रखिएगा एरेक्ट होता है, सीधा होता है इमेज। तो ये स्टूडेंट्स पहला इमेज फॉर्मेशन किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, और ये इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। और ये इमेज जो है स्टूडेंट्स ये स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होगा, इमेज नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, ठीक है, ये जो है वो मिरर पे ही जो है वो फॉर्म होगा, मिरर पे बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो आपके सामने हमने पहला इमेज फॉर्मेशन रख दिया है, ठीक है, फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। एक और हम इमेज फॉर्मेशन लेते हैं, ये पोल, ये फोकस, ये 2F, इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। अब हम जो है वो यहां पर हम फोकस ऑब्जेक्ट को रख देंगे, यहां बिटवीन द फोकस रख देंगे, ठीक है। पहले हमने एफ एंड 2F के दरमियान रखा था और अब हम रख देंगे बिटवीन द फोकस, ठीक है, पोल एंड फोकस। अब इमेज हमें कैसा मिलेगा, तो सबसे पहली लाइट रे ये पास होगी यहां पर, ठीक है, फोकस पर, और दूसरी लाइट रे स्टूडेंट्स ये जो है वो पोल से पास होगी और ऐसे गुजर जाएगी। अब इमेज कहां पर मिलेगा, इसको आप पीछे ले जाएं वाली लाइट रे, इस लाइट रे को हम ले जाते हैं पीछे, ठीक है। तो इमेज यहां पर बन रहा है, अब आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन में भी जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन द फोकस रख रहे हैं, इस कंडीशन में भी हमें इमेज कैसा मिल रहा है, उसी साइड पर बिहाइंड द मिरर वर्चुअल ही मिल रहा है और एरेक्ट मिल रहा है और वही डिमिनिश मिल रहा है। तो यहां पे लिख देंगे नेचर ऑफ इमेज, अगेन नेचर वर्चुअल एरेक्ट डिमिनिश बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब इससे क्या बात पता चली, इससे स्टूडेंट्स ये बात पता चली कि
कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ऐसा होता है कि इमेज फॉर्म सेम होता है, ऑब्जेक्ट को आप कहीं प्लेस कर दें, चाहे आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रखें या बियॉन्ड द 2F रखें, चाहे ऑब्जेक्ट को F एंड 2F के दरमियान रखें, चाहे ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखें या फिर बिटवीन F एंड पोल रखें, इमेज ऑलवेज फॉर्म, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं ऑलवेज इमेज फॉर्म्ड, ऐसा बनेगा वर्चुअल एरेक्ट डिमिनिश, ठीक है, वर्चुअल एरेक्ट डिमिनिश इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा में वर्चुअल एरेक्ट डिमिनिश इमेज मिलेगा। कॉनकेव में तो ऐसा नहीं था, कॉनकेव में तो पोजीशन के हिसाब से इमेज बन रहे थे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं। कॉन्वेक्स मिरर में जहां पे आप ऑब्जेक्ट रखें कहीं पर भी इमेज आपको वर्चुअल एरेक्ट डिमिनिश मिलेगा, ठीक। अब इसका पर्पस कहां, यूज कहां होता है, तो स्टूडेंट्स स्मॉल इमेज हमें दिखता है और एक वाइड व्यू जो है वो हमें नजर आता है, एक वाइड रेंज जो है व्यू नजर आता है। तो इसका क्या मतलब है, अब इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब अगर ये वाइड रेंज व्यू इसके जरिए हमें दिख रहा है, स्मॉल इमेज दिख रहा है, तो फिर ये कहां यूज होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इसी तरह से बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हो गए, ठीक है, वहां पे यूज होता है। इसी तरह से जो नॉर्मली तौर पर जो बड़े बड़े रोड होते हैं उनके कॉर्नर पे ये मिरर लगे हुए होते हैं, ताकि हमें कोई जो गाड़ी आ रही हो दूसरे रोड से वो दिख जाए, तो इस वजह से ये मिरर ये यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इन मिरर का यूजेस हैं, और इमेज फॉर्मेशन आपने देखा।